देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ राष्ट्रपति को कैसे सरकारी धन के दुरुपयोग को अपने पार्टी हित में पहुंचाने का शीला ने काम किया और उनसे इस पूरे जो उन्होंने दुरुपयोग किया है एडवर्टीजमेंट में उसके पैसे की वसूली का भी अनुशंसा जस्टिस मनमोहन सरेन ने की है, पूरी शिकायत इसकी दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की थी। हमारे साथ विजेंद्र जी इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों से और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के विषय में भी बात करते हैं। गुप्ता जी, 4 साल हो गए जब आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और आज लोकायुक्त का ये फैसला आया है, फैसले को कितना हम मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखते हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकायुक्त किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पारित किया हो और रिकमेंडेशन की हो जिसमें वो उनकी इंटीग्रिटी और उनके कंडक्ट को वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट जो सेक्शन 2 है लोकायुक्त एक्ट, दिल्ली लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत इतने 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और इश्यूज ऑफ पावर एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स दोनों आरोपों में फंसे हुए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमोरलिटी, सरकारी खजाने का अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए राजनीतिक प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, ये गंभीर मामला है। लेकिन जिस तरह से श्रीमती शीला दीक्षित बोल रही हैं तो मुझे कोई अपराध बोध नहीं, जिसको कहा जा सकता है कि एक अनैतिकता की पराकाष्ठा। और लोकतंत्र में शासक अगर अनैतिक है, वो अगर खुलेआम उल्लंघन करता है अपने दायित्व का, दुरुपयोग करता है, तो ऐसे शासक को बने रहने का कोई हक नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारा ये भी कहना है कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आपराधिक मामला चलाना चाहिए। तो उन्होंने सरकारी खजाने से लगभग 22 करोड़ अपने चुनाव प्रचार को किया। ये सब मामला लोकायुक्त के समक्ष विस्तार से और विस्तृत भूमिका में रखा गया जिसके हर पहलू पर शीला दीक्षित जी को मौका मिला अपनी बात कहने का और उनके वकीलों ने उन बातों को कहा, उनके पक्ष को सुनकर समझकर। और मैं समझता हूं कि पूरी जद्दोजहद के बाद एक निचोड़ और निष्कर्ष जो एक इन्वेस्टिगेशन का होता है, एक रिपोर्ट के माध्यम से वो हमारे सामने लोकायुक्त ने, दिल्ली के लोकायुक्त ने पेश की है। कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की श्रीमती शीला दीक्षित। और लोकायुक्त ने अपनी अनुशंसा में साफ रूप से ये कहा है कि चूंकि इन्होंने 22 करोड़ रुपया, लगभग 22 करोड़ रुपया अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए सरकारी खजाने से दुरुपयोग किया है, इसलिए इसका 50% जो एक तरह की मैं पेनल्टी कहूंगा, ये 50% पैसा तुरंत या तो स्वयं शीला दीक्षित जी अपने अपने घर से, ये बहुत बड़ी बात है, तो मुख्यमंत्री को अपने ही सरकारी खजाने में, दिल्ली सरकार के ही सरकारी खजाने में अपने घर से ला करके 11 करोड़ रुपए जमा करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, पद का दुरुपयोग किया, सरकारी धन का दुरुपयोग किया, इसलिए आप अपने घर से लाकर 11 करोड़ रुपया अपनी ही दिल्ली सरकार में लाइए, ये है आदेश। और साथ में ये कहा है कि
आप दोनों को इसका बेनिफिट मिला है, बेनिफिशियरी हैं आप इसकी, और क्योंकि आप इसके बेनिफिशियरी हैं इसलिए पैसा आप तुरंत जमा कराइए। ये अनुशंसा राष्ट्रपति के पास की है। और दूसरा, इस पूरे मामले में मैं ये समझता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान के सामने एक बड़ा उदाहरण है। हम इस पूरे मामले पर गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के लोग, वैसे तो कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हर सरकार को अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का अधिकार है। सरकार की जो उपलब्धियां रही है, जो योजनाएं फलीभूत हुई हैं जनता के लिए, वो जनता के बीच ले जाने का जो माध्यम है वो विज्ञापन है, मीडिया है, उसके द्वारा वो कर सकते हैं। तो आखिर कोई भी सरकार आती है तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। आपने इस पूरे मुद्दे को लोकायुक्त के सामने उठाया, शीला जी ने भी अपना पक्ष रखा, क्या आपको लगता है कि सरकार को एक कि सरकार जनता तक अपनी बात ना पहुंचाए? हमने जो चुनौती दी वो दी है कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, ये हमने सिद्ध किया है, लोकायुक्त के समक्ष सिद्ध किया है, जो सरकारी तंत्र का एक एक्सेप्टेबल तरीका है जनता तक जाने का, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने उसको कोई चुनौती भी नहीं दी है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा है, क्योंकि उनके जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑफिसर थे मिस्टर उदय सहाय, जो सर्विंग आईपीएस, एक आईपीएस ऑफिसर थे, सर्विंग ऑफिसर थे, डायरेक्टर थे पीआईओ की, प्रेस एंड पब्लिसिटी, उन्होंने 21 जून 2009 को राष्ट्रीय सहारा हिंदी समाचार पत्र में एक आर्टिकल लिख करके कहा कि शीला की चुनावी रणनीति, कैंपेन रणनीति, शीला की कैंपेन रणनीति एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस रैंक का ऑफिसर जो डायरेक्टर है उनकी सरकार का इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का, और जो एक सर्कुलर निकालती है डिपार्टमेंट कि कोई भी इश्तहार जो सरकार द्वारा जारी किया जाएगा उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को है, उनके हस्ताक्षर से ही, एड के ऊपर उनके हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद वो प्रिंट में जाएगा, यानी कि वो मंत्री भी है उस विभाग की, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विभाग की मंत्री भी थी उस समय, आज भी है, और पूरा वो जिसको उन्होंने स्ट्रेटेजी का रणनीति, हम उसको षड्यंत्र कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा और जिस तरह के वाक्या उस आर्टिकल में प्रयोग किए गए और बताया गया और अपनी पीठ ठोकी गई कि किस तरह से शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी था, लोग सरकार पूरी तरह से लोगों का विश्वास खो रही थी, हमने 27 मई 2007 को ये प्लानिंग शुरू की, ये षड्यंत्र प्रारंभ किया कि कैसे शीला दीक्षित जी दोबारा चुन करके आई।